अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल लर्न यूनानी पे आप लोगों का मोस्ट वेलकम। तो हम लोग थर्ड प्रॉफ में सैदला में सफ़ूर साजी का चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने कई दवाओं के सफ़ूर बनाने या उनको पीसने का तरीका सीखा था। तो आज कुछ नई दवाओं को पीसने का तरीका सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट। तो आज सबसे पहली दवा हम लोग बात करेंगे अफ्यून की, ठीक है। अफ्यून या अफीम, या हम इसे इंग्लिश में कहते हैं ओपियम, ठीक है। तो आइए सीखते हैं कैसे। देखिए सबसे पहले कि जो अफ्यून है इसमें थोड़ी सी रतूबत होती है, यानी नमी होती है। जब हम उसे हासिल करते हैं तो उसमें थोड़ी सी नमी होती है, इसलिए हम उसको पहले सुखाते हैं, ठीक। पहले कोई तवा ले लीजिए, ठीक, इस तरीके का तवा हैंडल लगा होता है, या तो आप तवा ले लें या फिर कढ़ाई, जो भी आपके पास हो, उन दोनों में आप इसे हल्की आंच पर जो इसकी नमी है उसको उड़ा दें। आपने अफ्यून को रखा यहाँ, ठीक, आपने इसे रख दिया और हल्के हाथों से इसको चलाते रहें, पहले चम्मच से हल्का हल्का, ठीक है, ताकि उसकी जो नमी हो उड़ जाए, ठीक, और पीसने के लायक हो जाए, थोड़ी सी खुश्क हो जाए या सूख जाए, ठीक है। तो फिर हम इस आग को बंद कर देते हैं और इसे उतार कर फिर हम इसे खरल में वापस, कोई भी खरल हो आपके पास, इस खरल में डालकर आप इसको पीस कर इसका सफ़ूफ बना लें, ठीक है, इसको पीस लें। और फिर जहाँ इसे शामिल करना हो आप वहाँ उसे शामिल कर सकते हैं। तो ये तो था पहला तरीका। अगर इस बात को आपको एग्ज़ाम में लिखनी हो तो लिखेंगे आप कि अफ्यून के अंदर कुछ रतूबत होती है, इसलिए हम उसे सबसे पहले तवे या कढ़ाई पर खुश्क करते हैं, और जब उसकी नमी दूर हो जाती है, वो पीसने के लायक हो जाता है, तब हम उसे तवे या कढ़ाई से निकाल कर हम खरल में डालकर उसे अच्छी तरीके से पीस लेते हैं, और फिर जिस मुरक्कब में, जिस दवा में शामिल करना हो, हम उसे शामिल करते हैं। तो अब बात करेंगे दूसरे तरीके की, ठीक है। देखिए क्या होता है कि कई लोगों ने ऐसा किया है कि अफ्यून को दूध के साथ जोश दे दिया है, जोश यानी उबाल देना, दूध लिया उसमें अफ्यून डाल दिया, उसके बाद आग पर गर्म कर दिया, ठीक है। देखिए कोई बर्तन है ये, और इसमें दूध लेकर हम लोगों ने अफ्यून को इसमें डाल दिया, शामिल कर दिया और आग पर जोश दे दिया, ठीक। और जब ये उबल गया, ठीक है, थोड़ा सा दूध कम हो जाता है, हल्का उड़ जाता है, ठीक, जो बचा अब हम इसे गरम कवाम में शामिल करते हैं। ये काम हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ माजून और खमीरा के केस में कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको फिर जो कवाम आपने बनाया है माजून बनाने के लिए और खमीरा बनाने के लिए, तो हम उसमें डायरेक्ट इसको गरम कवाम में शामिल कर देते हैं, ठीक है। तो ये है दूसरा तरीका इसका। तो अगर इस बात को आपको लिखना हो एग्ज़ाम में तो कैसे लिखेंगे कि बाज़ औक़ात कुछ लोगों ने अफ्यून को दूध के साथ मिलाकर जोश दिया और फिर उसको गर्म कवाम में शामिल किया, और ख़ास करके ये काम हम माजून बनाने में करते हैं, ठीक है। अगर किसी माजून में अगर अफ्यून को शामिल करना है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, और अगर आपको दूध नहीं शामिल करना उस माजून में, तो आप जो पहला तरीका है आग पर भूनकर उसकी नमी को उड़ाकर फिर उसका सफ़ूफ बना लें, तब उसे शामिल करें, तो दोनों तरीके आपके पास हैं, ठीक। तो ये था पूरा अफ्यून के बारे में। अब दूसरी दवा की बात करेंगे हम लोग, जिस पे है रसूत। देखिए कुछ लोग इसे रसूत पढ़ते हैं, कुछ लोग इसे रसवत पढ़ते हैं, ठीक है। इसका दूसरा नाम दार हल्द भी है, और इसका बॉटनिकल नेम है बर्बेरिस एरिस्टाटा, ठीक है। तो आइए सीखते हैं कि इसका सफ़ूफ कैसे हासिल करेंगे। देखिए सबसे पहले दार हल्द या रसूत जो भी आपके पास है, उसकी छाल है, पत्तियाँ वगैरह जो भी चीज़ें हैं, आप एक बर्तन लीजिए, बर्तन या हांडी, उसमें पानी डालकर उसको भिगा दीजिए। कितने घंटे तक? 8 घंटे तक आप इसे भिगा कर छोड़ दीजिए। उसके बाद इनकी पत्ती और जो छाल है उसको अच्छी तरीके से मिलाकर अलग कर लें, और इस पानी को गर्म करें, जोश दें। गर्म करने के बाद बकिया पानी को उड़ा दें, जो लास्ट में थोड़ा सा बचेगा दानादार सफ़ूफ नुमा जो बचेगा, उसी को हम लोग सुखा कर फिर
जिस नुस्खे में शामिल करना हो, जिस दवा में शामिल करना हो, हम उसमें मिलाकर उसका शामिल कर लेते हैं। तो एक तरीका ये है, ठीक है। और दूसरा तरीका है कि जो उसकी छाल है, ठीक है, उसको हम ले आते हैं, लेकिन उसके अंदर नमी होती है, और फिर उस नमी को पहले हम दूर करते हैं, यानी बिरियां करते हैं। पहले रसूत को हम बिरियां करते हैं, यानी उसकी नमी दूर करते हैं, और उसको हल्का सा गर्म कर पीसने के लायक बनाते हैं। फिर उसको खरल में डालकर या हवन दस्ता में डालकर कूट कर इसका सफूफ बना लेते हैं, ठीक। तो ये दो तरीके से आप रसूत का, दारहल्द का सफूफ बना सकते हैं। और अगर इस बात को एग्ज़ाम में लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि रसूद को हांडी या किसी बर्तन में डालकर उसको पानी के हमरा 8 घंटे तक भिगो देते हैं, और फिर उसको अच्छी तरीके से मिलाकर छान लेते हैं, और उस पानी को जोश देकर हम उसको भाप बनाकर उड़ा लेते हैं या खुश्क कर लेते हैं। तो जो सतह में बचता है वही हमारा दारहल्द या रसूद का सफूफ है, ठीक। और इस बची हुई चीज़ को जहाँ भी हमें जिस नुस्खे में शामिल करना होता है, हम उसे शामिल करते हैं, ठीक है। अब दूसरा तरीका कि रसूद का सफूफ बनाने का दूसरा तरीका ये है कि हम उसको सबसे पहले बिरिया करते हैं आग के हमरा, हम उसकी नमी को दूर करते हैं, और उसको पीसने के लायक बनाते हैं या उसको भून लेते हैं हल्का, ठीक है। उसके बाद हम इसे हवन दस्ता या खरल में डालकर कूट कर अच्छी तरीके से पीस लेते हैं। तो ये बात आपको एग्ज़ाम में लिखनी होती है, और इसमें पूरे पूरे नंबर आपको मिलते हैं अगर आपने इस तरीके से लिखा, लाइन बाय लाइन पॉइंट बना के, कि पहला तरीका ये, दूसरा तरीका ये, इस तरीके से, ठीक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये दोनों दवा अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि फ्यूचर में नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।